दोस्तों, अगर आप भी टाटा कंपनी की कोई नई कार खरीदने की सोच रहे हो और जानना चाहते हो टाटा कंपनी की सबसे सस्ती कार कौन कौन सी है, तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोविंद और स्वागत करता हूं आपका ऑटो लवर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा कंपनी की टॉप 5 सबसे सस्ती कार के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए नज़र डालते हैं आज की इस लिस्ट पर। दोस्तों, टाटा कंपनी की सबसे सस्ती कार की इस लिस्ट में 5th नंबर पर आती है टाटा कंपनी की नेक्सॉन कार। दोस्तों, नेक्सॉन कार टाटा कंपनी की सबसे पॉपुलर कार में से एक कार है। इस कार की कीमत भारत में शुरू होती है 7 लाख रुपए से। इस कार में आपको अलग इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 3 सिलेंडर इंजन और 4 सिलेंडर इंजन का ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें इस कार की माइलेज की, तो इसमें आपको 18 से 22 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। इस कार में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यह कार आपको पेट्रोल डीजल के अलावा इलेक्ट्रिकल वेरियंट में भी मिल जाएगी, जिसकी कीमत 15 लाख रुपये से शुरू होती है। इस लिस्ट में 4th नंबर आती है टाटा कंपनी की एल्ट्रोज कार। दोस्तों, टाटा एल्ट्रोज की कीमत भारत में शुरू होती है 6.3 लाख रुपए से। इस कार में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि 84 BHP की पावर और 108 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस कार में आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिलता है। बात करें दोस्तों इसकी माइलेज की, तो इसमें आप 18 से 20 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। यह कार आपको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट में मिलती है। दोस्तों, इस लिस्ट में 3rd नंबर आती है टाटा टाइगर। टाटा टाइगर की कीमत भारत में शुरू होती है 6.1 लाख रुपये से। दोस्तों, इस कार में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि आपको 84 BHP और 113 Nm का टॉर्क देता है। इस कार में आपको 18 से 20 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। बात करें दोस्तों इसके ट्रांसमिशन सिस्टम की, इसमें आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, यह कार पेट्रोल और CNG दोनों वेरियंट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, इस लिस्ट में 2nd नंबर आते हैं टाटा पंच। इस कार की कीमत भारत में शुरू होती है 6 लाख रुपये से। इस कार को कंपनी ने पिछले साल 2022 में ही लॉन्च किया था। इसके बाद लोगों को यह कार इतनी ज़्यादा पसंद आई कि 2022 में टाटा की टॉप 5 सेलिंग कार की लिस्ट में यह कार टॉप 5 नंबर पर थी। दोस्तों, इस कार में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 84 BHP का पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस कार में आपको 5-speed मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, बात करें इस कार की माइलेज की, तो इसमें आपको 18 से 20 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। और भी कई एडवांस फीचर आपको इस कार में मिल जाएंगे। दोस्तों, टाटा कंपनी की टॉप 5 सबसे सस्ती कार की इस लिस्ट में 1st नंबर आती है टाटा टियागो। दोस्तों, इस कार की कीमत भारत में शुरू होती है 5 लाख रुपये से। टाटा कंपनी की इस कार में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 84 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोस्तों, इस कार में आपको 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स ऑप्शन मिलता है। दोस्तों, बात करें इस कार की माइलेज की, तो इसमें आपको 20 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। इस कार में दोस्तों आपको कंपनी की तरफ से अलग अलग वेरिएंट मिल जाएंगे, जो कि आप अपने सुविधा अनुसार चूज कर सकते हो। दोस्तों, टाटा कंपनी की कारें हमेशा सस्ती और किफ़ायती होने के साथ साथ सेफ्टी के मामले में हमेशा टॉप पर रहती है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी वीडियो टाटा कंपनी की टॉप 5 सबसे सस्ती कार के बारे में। दोस्तों, आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट कार है और कौन सी कार आप खरीदना चाहते हो, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।